हेलो दोस्तों, आई एम रवि थोपरे इन यू वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट इंडिया। तो इस सामने वाली गाड़ी खड़ी सिट्रोएन की न्यू लॉन्च बसाल्ट। ये बसाल्ट का सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ऑटोमेटिक के साथ में, जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में आता है, सिंगल टोन के साथ में, जिसमें डुअल टोन का भी ऑप्शन है, तो उस पर भी आप जा सकते हो बी टर्बो चार्जर के साथ। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आपको बताएंगे इसका क्या प्राइस पॉइंट है, क्या फीचर ऑफर करती है, और ये अपने सेगमेंट में इंडिया में ये सेगमेंट शुरू करने वाली यही गाड़ी है, और अभी कब भी लॉन्च हुई लेकिन उसकी प्राइसिंग नहीं आई है। तो सबसे अफोर्डेबल और सबसे गुड लुकिंग के साथ में सिट्रोएन ने पंच मार दिया है भाई, और बहुत ही अग्रेसिव प्राइस रखा है, क्योंकि 799 से स्टार्ट होती है, लगभग 8 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और इतनी बड़ी गाड़ी, इसकी लेंथ की बात करो तो क्रेटा सेल्टोस से भी ज़्यादा लेंथ है, 4'3" मतलब 4 मीटर से लंबी गाड़ी है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। SUV कूपे के नाम से इसको हम जानते हैं, और ये इंडिया में बहुत ही अच्छा मूवमेंट है सिट्रोएन का, इसकी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी सेल होने वाली है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है जिनको सेडान्स पसंद हैं बट वो सेडान्स ले नहीं पाते हैं ग्राउंड क्लियरेंस और उसकी वजह से, बट इसमें आपको सेडान्स के साथ साथ SUV का भी फील आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से, क्या कुछ रहने वाला है। इस तरह से आपको की मिल जाती है, की भी हालांकि चेंज किया है, पहले नॉर्मल आता था, अभी रिमोट दे दिया है कम्प्लीट, जो कि काफ़ी अच्छा है। दो ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें आपको, लॉक अनलॉक, पीछे आपको लोगो मिल जाता है। फ्रंट आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है, यहाँ पे कंप्लीट आपको DRLs मिल जाते हैं, ये लाइट मिल जाते हैं जो कि प्रोजेक्टर हैं, देख सकते हो LED के साथ में, DRLs, टर्न इंडिकेटर, सब कुछ आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, एंड ये सिग्नेचर ग्रिल मिल जाती है सिट्रोएन की ट्विन एरो के साथ में, एंड ये इनका फैमिलियर डिजाइन है जो कि देख सकते हो बॉक्सी टाइप में, नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाता है, ये जगह जगह पे आपको ये बेसिंग मिल जाती है रेड की, जो आप टर्बो का साइन है। नीचे बम्पर भी बात करूँ आपको, यहाँ पे सिल्वर फिनिश में मिल जाता है, जिस तो लुक गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, हॉन्जिस काफ़ी अच्छे हैं, कट्स देखिए यहाँ पे बोनेट पे, लुक बहुत अच्छा आता है कुछ इस तरह से, टर्न इंडिकेटर, और यहीं पे आपको ये ऊपर DRLs है, तो कंप्लीट सेटअप LED मिल जाता है यहाँ पे। तो ये इसका ओवरऑल फ्रंट मिल जाता है कंप्लीट, बहुत ही बॉक्सी और काफ़ी अच्छा लुकिंग दिया है, इसकी वजह से यहाँ से जैसे स्ट्रेट होता है यहाँ से, तो गाड़ी काफ़ी उड़ी हुई लगती है, देख सकते हो। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो इस तरह से आपको साइड प्रोफाइल लेने वाली है। फ्रंट डायमेंशंस मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, तो इसके डायमेंशंस क्रेटा से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये SUV कूपे टाइप में है, तो इसको फुल साइज SUV टाइप दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। और इस कलर की बात करूँ पर्टिकुलर, तो ये मेटालिक ग्रे कलर है, काफ़ी अच्छा कूल नज़र आ रहा है। क्लेडिंग की बात करूँ तो व्हील आर्क जो है स्क्वायरिश टाइप में है, जो कि लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, एंड ये येलो व्हील का डिज़ाइन है, डायमंड कट देख सकते हो किस तरह से लुक आता है, यहाँ पे बीच में लोगो मिल जाता है सिट्रोएन का, डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और इस टायर प्रोफाइल की बात करें अगर तो 205/60R16 इंच के येलो व्हील्स मिल जाते हैं, ये टायर सीट सिक्योर ड्राइव पे टायर प्रोवाइड किए हैं। सस्पेंशन के लिए सिट्रोएन जानी जाती है, सस्पेंशन इसका बहुत ही सॉलिड और अच्छा है, राइड क्वालिटी जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे इसका सिट्रोएन का कॉप काफ़ी अच्छा नाम है। ORBM पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं ग्लोसी फिनिश में, क्योंकि लुकिंग काफ़ी अच्छा था कूपे टाइप में। इसमें कैसा होता है, आपको रूफ रेल नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे स्लोपिंग डिजाइन होता है, तो लुक बहुत अच्छा आ रहा है, मेटेलिक कलर में गाड़ी काफ़ी अच्छी साइन कर रही है। यहाँ से देखिए साकविन एंटीना मिल जाता है आपको, अब यहाँ से जो मेन पार्ट है वो यहाँ से जैसे स्लोपिंग हो रहा है, तो ये पार्ट बहुत ही खूबसूरत लगता है दूर से देखने पे। ये देखिए डोर हैंडल अभी भी इस तरह से मिल जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए रेड स्ट्रेचेस, रेड इंसर्ट आपको दिया है यहाँ पे इस पार्ट में, काफ़ी सही लग रहा है। अब बात करते हैं बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल में आपको टेल लाइट्स काफ़ी ज़्यादा जंकी और सी टाइप का टेल लाइट दिया, अब यहाँ पे देखिए आप, आपको कट नज़र आएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट LED सेटअप है, इसका लुक काफ़ी अच्छा है, और बड़ा सा टेल लाइट दिया है जो कि वहाँ से लेके वहाँ तक आपको जाता है। 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कैमरे की बैचिंग यहाँ पे मिल जाती है, प्योरटेक इंजन का बैच यहाँ पे मिला है, सिट्रोएन की बैच यहाँ पे मिल जाता है, एंड बसाल्ट, तो ये बसाल्ट एंड सिट्रोएन, ये कंप्लीट बैक का लुक रहने वाला है। डिफोगर मिल जाता है यहाँ पे, अभी इस गाड़ी में वाइपर की जरूरत नहीं पड़ती है सेडान टाइप में, तो यहाँ पे वाइपर नहीं है,
एंड अब बात करते हैं इसके बूट की। तो सबसे जो खेल है वो बूट का ही है, जैसे कि कितना ओपन होता है ये देखिए, पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा का पूरा टेल गेट ओपन होता है। नॉर्मल गाड़ी में क्या होता है कि यहाँ से इतना ही बूट ओपन होता है, बट ये देखिए आपको बड़े साइज़ का कुछ भी हो है वो भी लगे डाल सकते हो। 477 लीटर का ऑलमोस्ट 500 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे है, काफ़ी वाइड ओपन होता है, मतलब पूरा का पूरा टेल गेट ही ऊपर ओपन हो जाता है। हाइड्रोलिक स्टड मिल जाते हैं इसके साथ में, और ये कुछ बूट स्पेस है, बहुत अच्छा मैनेज किया है। और स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको फुल साइज का रहने वाला है, C8 का ही है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एंड इसकी प्रोफाइल की बात करें अगर तो 185/65 R15 एक इंच छोटा मिलने वाला है, काफ़ी सही है। बूट लैंप मिल जाता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे हैंगर मिल जाता है, कुछ आपको यहाँ पे हैंग कर सकते हो। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बड़ा है और मैनेज भी काफ़ी अच्छे से किया है कुछ इस तरह से। यहाँ से आप इसको हैंडल ग्रेप करने के लिए दिया है, तो यहाँ से आप पकड़ के इसको बंद कर सकते हो कुछ इस कलर में, मेटालिक ग्रे कलर में काफ़ी अच्छे गाड़ी का लुक आ रहा है डेफिनेटली, जो कि मुझे काफ़ी लाइट में जो इसका ग्लो आ रहा है, शाइन हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। इसके लेफ्ट साइड भी आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिल जाता है, लीड ओपनर, जो कि यहाँ पे 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिल जाता है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करूँ तो 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। और ये गाड़ी अच्छे खासे आपको ऑफ रोडिंग वगैरह भी, ख़राब रोड पे भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इंजन टर्बोचार्जर के लगा हुआ है, तो इंजन की हम बात करेंगे लास्ट में, और माइलेज की। चलते हैं इंटीरियर में इसके, तो सबसे पहले अपने अनलॉक करेंगे। यहाँ पे भी की का ऑप्शन दिया है, इन केस रिमोट वर्क नहीं करता तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। अब देखिए इंटीरियर का डोर किस तरह से ओपन होता है, कितना वाइड डोर ओपन हो रहा है, ऑलमोस्ट 80-90 डिग्री पे हो रहा है, तो इग्रेस और इनग्रेस करना बहुत काफ़ी ईजी हो जाता है। पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं यहाँ पे, एंड और भी उनके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो कि फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों यहाँ से होते हैं कंप्लीट। ये आपको लेदराइज फिनिश मिलने वाला है, काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे नॉर्मल प्लास्टिक है, वाटर होल्डर मिल जाता है यहाँ पे, जगह जगह पे ग्लोसी फिनिश है, सिल्वर फिनिश में ये दिया है। सीट आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है ड्राइवर वाली, और कंप्लीट लेदर फिनिश है। तो इंटीरियर की बात करें तो डुअल टोन में है, बेज और ब्लैक। अंदर आने के बाद कुछ इस तरह से लुक आता है भाई, काफ़ी कमांडिंग व्यू मिल जाता है। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, काफ़ी मुझे हाइटेड लग रहा है। चाबी लगा के आपको सबसे पहले इग्निशन चेक करके बताता हूँ, सीट को एडजस्ट करता हूँ मेरे हिसाब से, ताकि पीछे का मैं वो भी दिखा पाऊँ आपको। ये आपको कंप्लीट MID मिल जाती है, 7 इंच की डिजिटल MID मिल जाती है, एंड 12.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। देखिए नेविगेशन के साथ में सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है, और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर रहा है किसी का, Vivo Y35। ये आपको वेंट्स मिल जाते हैं, इसके लुक डिजाइन काफ़ी अच्छा दिया है, ये फैमिली डिजाइन रखा हुआ है, सारे इनके C3 है उसमें भी इस तरह से आता है। यहाँ पे ग्लोसी फिनिश मिल जाता है। अब ये देखिए स्टीयरिंग व्हील, मुझे पर्सनली इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा पसंद आता है, छोटा सा है और नॉर्मल गाड़ियों को कितना बड़ा देते हैं, यहाँ पे लेदराइज है, छोटा सा है, कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन इधर मिल जाते हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल्स, और ये लेदराइज है कंप्लीट, टिल्ट मिल जाता है, वाइपर डिफोगर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, हेडलैम्प लेबलर, और ये ORBM के AC वेंट्स में ग्लो, ये ग्लोसी फिनिश में है, काफ़ी सही लग रहा है। ट्विटर मिल जाते हैं, दो ट्विटर हैं इसमें, 4 स्पीकर के साथ में पूरा कंप्लीट सेटअप मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है। और ऑटो AC मिल जाती है यहाँ पे, ये हजार की लाइट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और एक USB सॉकेट। मोबाइल रखने का स्पेस मिल जाता है, यहाँ भी स्पेस है, 2 कप होल्डर का यहाँ पे स्पेस है। अब ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, टर्बो चार्जर के साथ में 6-स्पीड ऑटोमेटिक यहाँ पे गेयरबॉक्स दिया गया है कुछ इस तरह से। यहाँ पे हैंडब्रेक मिल जाता है। अब ये आपको आर्मरेस्ट मिलता है, जो कि एडजस्टेबल है, देख सकते हो। अब यहाँ पे अंदर स्पेस भी मिल जाता है थोड़ा सा, अंदर आप कुछ सामान भी रख सकते हो, और सीटिंग का कंफर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, और लेदराइज है कंप्लीट। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक देखने को मिलेगा टेक्सचर टाइप में। मैनुअल IRBM मिल जाता है, यहाँ पे लाइट मिल जाती है, और ये माइक का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, स्पीकर, ये IRBM मिल जाता है यहाँ पे। 6 एयरबैग इस गाड़ी में मिल जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है, और सेफ्टी में भी काफ़ी अच्छा, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। 6 एयरबैग, EBS CVD, सारे सेफ्टी के फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ग्लव बॉक्स यहाँ पे इस तरह से मिल जाता है,
डीप है, काफ़ी अंदर तक जाता है और ये यहाँ पे भी थोड़ा फिनिश काफ़ी अच्छा है। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड सिलेक्शन ऑफ कलर काफ़ी अच्छे हैं, रिच फील होता है अंदर बैठ के और काफ़ी एयरी फील होता है। और यहाँ पे आपको डेड पेडल भी मिल जाता है फुटरेस्ट, जिससे आपको हाईवे पे क्रूजिंग करना और सब काफ़ी ईजी हो जाता है। देखिए मेरे व्यू के हिसाब से यहाँ पे गाड़ी का बोनट एज टू एज आपको दिखाई दे रहा है, मैं काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हूँ यहाँ पे। एयर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर की सीट कुछ इस तरह से विंडो ओपन होती है, इसका डोर वाटर होल्डर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा सा है, लेदराइज फिनिश है, काफ़ी अच्छा लगता है। पावर विंडो का स्विच यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा ग्रैब करने के लिए। अब चलते हैं अंदर, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ सब बताता हूँ इसमें, सबसे पहले क्या मिल जाता है, सबसे पहले 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसको अंडर थाई सपोर्ट इसका सेट कर सकते हो आप, 3 पॉइंट इसके दिए हैं, 1, 2, 3, तो टोटल 3 पॉइंट हैं। तो यहाँ से आपका अंडर थाई सपोर्ट सेट कर सकते हो और लिटरली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी अच्छा, लेदराइज है, सीटिंग की विड्थ काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हो, जैसे कोई किसी की हाइट ज़्यादा है, हालांकि मेरी हाइट कम है तो उसके बावजूद देखिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अंडर थाई सपोर्ट की, तो कोई लंबा आदमी तो ऐसा करके आओ आराम से कर सकता है, तो 3 पॉइंट एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको पॉकेट मिल जाता है कुछ रखने के लिए। अब ये स्पेस देखिए और ये देखिए, क्योंकि मेरी हाइट 5'6" है तो इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं है, हालांकि 6 फीट का भी बंदा कोई बैठेगा तो भी उसको दिक्कत नहीं आने वाली है। पीछे एक कंट्रोल मिल जाता है एसी वेंट्स के, तो कम ज़्यादा स्पीड यहाँ से कर सकते हो। एंड यहाँ पे 2 USB चार्जिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही है पीछे के बैठने के लिए, उनको तो एसी वेंट की ज़रूरत तो रहती ही है। एंड अब बात करते हैं पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जिनका भी सपोर्ट यहाँ पे देखिए थोड़ा कर्व दिया है, तो आपको जैसे सो जाते हो तो इधर उधर आपकी गर्दन नहीं होगी, वो भी सही है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, यहाँ भी छोटा सा हेडरेस्ट दिया है जो कि फिक्स है, आर्मरेस्ट विद कप होल्डर मिल जाता है यहाँ पे आपको, तो कि आपको बताऊँ निकल के कुछ इस तरह से राइट। तो ये यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है जो कि येलो में है, एंड ऐसो भी चाइल्ड लॉक मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट आपको नज़ारा रहने वाला है सीट एंड बसाल्ट का पीछे की सीट। मेरे हिसाब से ये गाड़ी काफी कंप्लीट, अंदर से स्पेसियस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका व्हील वेज ज्यादा है, गाड़ी 4300 mm की है और तो उसकी वजह से स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है इसमें। दिस इज द इंजन लुक लाइक, काफी नीट एंड क्लीन है, देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको कवरिंग भी दिया है। अब इस इंजन की बात करूँ तो ये 1200cc का है, 1.2 लीटर का टर्बो चार्जर जो कि 110 BHP की पावर और 205 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। काफ़ी अच्छा और रिफाइंड इंजन है, डेफिनेटली इसको आप चलाओगे तब समझ में आएगा, और अच्छी खासी पावर, लीनियर पावर डिलीवर करता है, कोई दिक्कत इशू आपको नहीं आने वाला है डेफिनेटली। माइलेज की बात करूँ, माइलेज इस गाड़ी का लगभग 18.78 का कंपनी क्लेम करती है, पर टर्बो चार्जर है और इतनी बड़ी गाड़ी है तो माइलेज उस हिसाब से काफ़ी सही है, और जब रियल कंडीशन में आएगा तो उससे अच्छा भी माइलेज निकाल के दे सकती है 100% गाड़ी। अब प्राइजिंग की बात करूँ, प्राइस इसकी स्टार्ट होती है जो सबसे बेस वेरिएंट है 799 लाख से स्टार्ट होता है, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 8 लाख से प्राइजिंग जाती है 13.5 लाख तक एक शोरूम। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करूँ तो ये टर्बो चार्जर के साथ में आता है जो कि मैक्स है, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट सिंगल डोन के साथ में। एक शोरूम इस पर्टिकुलर वेरियंट की बात करूँ 13.62 लाख से स्टार्ट होता है, टर्बो चार्जर है, ऑन रोड लगभग आपको 15 लाख में पड़ जाएगा ये व्हीकल, बहुत ही अच्छा है। स्पेस चाहिए आपको कूपे SUV की कुछ नया ट्राई करना है, SUV सेडान हैचबैक ये सबसे बोर हो गए, कुछ नया ट्राई करना है तो आप इसको देख सकते हो एक बार। और अगर आप बड़ोदरा में आसपास में रहते हो तो यहाँ पे बड़ोदरा सिट्रोन में आ सकते हो इन्वायर के लिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वगैरह दे दूँगा, कॉल करके और अपॉइंटमेंट ले सकते हो, यहाँ पर कुछ भी गाड़ी की इंक्वायरी कर सकते हो, वहाँ से डेफिनेटली आपको अच्छा डील प्रोवाइड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।